बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर ये देखें, ये धनिया है, इसको हमने महफूज किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। और इंशाल्लाह ताला 10 से 12 दिन इसी तरह फ्रेश तरोताज़ा रहेगा। इनमें से जितने गलत हैं वो गंदे हैं वो हम निकाल देंगे, यानी कि जो येलो हैं या थोड़े डैमेज हैं वो निकाल कर हम इसको दोबारा पैक करेंगे। वो देखें, ये इस तरह हमने ना इसको देख के ना इस तरह करके हमने ना इसमें से जो जितने येलो येलो हैं पत्ते या थोड़े जो हैं वो पत्ते जो हैं वो मुरझा गए हैं, उन पत्तों को हमने अलग कर लेना है, क्योंकि आजकल गर्मी है, धनिया वैसे भी मिलता नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही महफूज कर लेती हूँ। ऐसे करके इसको ये साफ कर लिया हमने, इसी तरह हमने सारा जो है वो इसी तरीके से साफ कर लेना है, यानी कि ऐसे जो हमने निकालने हैं इसमें से सारे। येलो है ये वाला, क्योंकि अगर इसमें एक भी ख़राब होगा तो वो सारा धनिया जो है वो ख़राब कर देगा उसको। से ये हमने सारा इसको साफ कर लिया, इसी तरह हमने ये भी सारा इसी तरीके से ही सारा साफ कर लिया था। और इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आपका ये 10 से 12 दिन धनिया ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने रखना इसको ठंडी जगह पे, यानी कि फ्रिज का टेम्परेचर अगर कम है तो आप बर्फ़ वाले खाने में इसको रख दें, ताकि ये वहाँ पे ज़्यादा ठंडक होती है, तो वो अच्छे तरीके से उसको एयर टाइट में बंद करके तो आपने उसको रखना है, फिर ख़राब नहीं होता। ये मैं हमेशा वही बात बताती हूँ, जिसका पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ उसके बाद मैं फिर आप लोगों तक जो है वो चीज़ जो है वो देती हूँ, आपको पहुँचाती हूँ आप तक। तो जिस चीज़ का तजर्बा ना हो तो और एक्सपीरियंस में ना हो तो वो मैं करती नहीं हूँ। सारे टोटके देखें आप, ये भी टोटका देखें, आपको खुद पता चलेगा कि कितना अच्छा मैंने आपको जो है ना वो टिप्स बताया। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी ये चीज़ पसंद आती है, मेरा टिप्स पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। पहले आप एक्सपीरियंस करें इसका, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ ठीक थी। मेरे टिप्स कभी भी जो है वो आप सुना करें ज़रूर, शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो, तो फिर आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि जो चीज़ें मैं बताती हूँ, मैं बताती कम ही हूँ, लेकिन ये है कि वो सब जो है मेरे तजर्बे से गुज़र कर। तो ये देखें, ये बस इसमें से ये सारा देखें आप, ये सारा धनिया जो है ये इसमें ख़राब था। जैसे ही हम लाते हैं तो हम ऐसे इस धनिए को रख देते हैं, तो वो तकरीबन एक या दो दिन के बाद सारा जो है वो गल सड़ जाता है। ऐसे हमने साफ़ सुथरा धनिया निकालना है, इसमें भी अभी एक दो नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसको अच्छी तरह हमने वॉश करना है, और वॉश करके इसकी मिट्टी वगैरह उतार के सब कुछ इसको इसका सही तरह इसको एक दफ़ा फिर हम साफ़ करेंगे, और साफ़ करके हम ना इसको फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसको महफूज कैसे करना है। अच्छे करके तो इसको हमने
अब इस तरीके से हमने इसको थोड़ी देर के लिए हमने 5 से 10, 5-7 मिनट हमने इसको हवा के नीचे रखना है ऐसे इसको इस तरीके से बाहर के ऊपर ताकि बाहर जो है वो जल्दी खुश्क कर देती है। बस 5 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको 5-10 मिनट के लिए हवा में। तो बस फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस चीज़ में डाल के रखना है। यह कि धोया इसलिए कि आपको जब आप निकालें अपने सर्व करने के लिए तो कम अज़ कम जो है ना वो आपको फिर दोबारा धोना ना पड़े। आप बस उधर से निकालें इसकी हम ये चीज़ जो है ये काट देंगे, ये इसको रेडी रखेंगे। बस हमें उसमें से थोड़ा सा निकाल लें और जितना हमने अपनी हंडिया में यूज़ करना है कुकिंग में वो हम कर लेंगे। व्यूअर देखें ये सारा धनिया जो है ये खुश्क हो चुका है। अब इसके ना हम लोग जो इसके टंडर हैं ना मोटे वो काट देते हैं। व्यूअर इस तरह का ये टाइट है ये लिफाफा, ये मैंने तकरीबन काफ़ी सारे ला के रखे हुए हैं। अगर चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह धो के तो इसमें फ्रीज कर देते हैं, इसका ब्लड वगैरह भी जो है निकलता नहीं है, फ्रीज भी गंदा नहीं होता और इसमें हवा वगैरह भी जो है वो लगने का खतरा नहीं होता। तो इसमें बड़ी सेफ्टी रहती है हर चीज़ की। तो व्यूअर आप इसमें डालते हैं हम ये देखें हमने इस तरीके से धनिया को रख लिया और इससे टाइट को हमने इस तरह लॉक कर दिया, बंद कर दिया इसको। अब ये देखें कहीं से भी इसको हवा का जो है वो रुख नहीं अंदर जा सकता। इस तरह इसको बंद करके हमने इसको ऐसे करके तो ये रख लेना है। आपको ये मेरा टिप्स कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। हौसला अफजाई होती है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये किसी और बहन के काम आ जाए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेके आऊँगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।